हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड हाउ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर से ही फ्रूट फॉर्म होता है। कैसे? पार्ट ऑफ फ्लावर इंक्लूड सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड स्टिग्मा। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर एंड पोलन। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। वी कैन सी द सेपल्स। सेपल इज अ ग्रीन पार्ट ओके ऑफ द फ्लावर। एंड द पेटल्स, पेटल क्या है? एक कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसे क्या कहते हैं? पेटल्स। एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सेपल्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल वी कैन सी द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम इसको बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोलते हैं हम इसे? स्टिग्मा। स्टिग्मा के पार्ट होते हैं स्टाइल, दिस इज स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल पिस्टिल के पार्ट होते हैं। और स्टेमन, स्टेमन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से दो पार्ट होते हैं हम देख सकते हैं। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। ये क्या है? फिलामेंट और दिस इज एंथर। और क्लियर देख लेते हैं। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस इज पिस्टिल और हम इसे कार्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कार्पल भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका? टॉप पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। स्टाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल, ओके। एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी कैन सी एंथर। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। तो ये क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। तो अभी रिप्रोडक्शन होता कैसे है? रिप्रोडक्शन होने के लिए पोलन्स का ट्रांसफ़र होना वो ज़रूरी है। पोलन्स किसका पार्ट होता है? मेल का पार्ट होता है। पोलन का ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या सेम फ्लावर में भी पोलन होता है, ठीक है। अगर सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफ़र होता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, अनदर फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है, भले ही वो सेम स्पीशीज़ का प्लांट है, ओके, सेम स्पीशीज़ का प्लांट है या फिर अदर स्पीशीज़ का है, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन फ्रॉम अनदर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है, मेल पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर अलग फ्लावर में होगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये पोलन ट्रांसफ़र होता कैसे है? पोलन जाता कैसे है? या तो विंड के थ्रू जाएगा, हाई विंड होगी तो पोलन ट्रांसफ़र होगा, या फिर किसके थ्रू जाएगा? इंसेक्ट के थ्रू जाएगा, ओके। इंसेक्ट का आपको पता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो पोलन ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं। पॉलिनेशन इन फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में होता है यहाँ से पोलन, ठीक है, एक ही फीमेल पार्ट में जाएंगे सेम फ्लावर के, और यहाँ से पोलन किसी अनदर फ्लावर में जाएंगे, तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। अब प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ अ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। गैमेट क्या है? व्हाट इज़ अ गैमेट? गैमेट क्या है? मेल और फीमेल पार्ट, ओके। जैसे मेल पार्ट होगा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, और फीमेल क्या है? ओवरी या एग, ओके। तो
ये क्या है, गैमेट्स, गैमेट्स का फर्टिलाइज होना, गैमेट का फ्यूजन होना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे इन प्लांट्स पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, गैमेट मतलब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है फ्लावर में, पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट क्या है, एग। ओके, पोलन ग्रेन डिपॉजिट कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू द टू मेल गैमेट, डिवाइड होगा टू मेल गैमेट में, गैमेट पेनिट्रेट थ्रू द स्टाइल रीच ओवरी एंटर इनटू द एम्ब्रायो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। गैमेट किसी थ्रू ट्रांसफर कर जाते हैं, स्टाइल जो एक लूम ट्यूब स्ट्रक्चर होती है इसके थ्रू एंटर कर जाएंगे और एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। एग के साथ फ्यूज हो जाने पर क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट के क्या बाद क्या बनाते हैं वो, एम्ब्रायो। जाइगोट के क्या बाद क्या बनाएंगे, एम्ब्रायो, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट। द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द जाइगोट इज एम्ब्रायो। ओके, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब एम्ब्रायो बन गया, जब गैमेट आया अंदर, गैमेट का फ्यूजन हुआ तो एम्ब्रायो बना। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बाद में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हमने कहा था कि जो पोलन ग्रेन है उसके दो न्यूक्लियस डिवाइड हो, एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो गैमेट में, तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा जो कि क्या बनाएगा, सिंगैमी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सिंगैमी, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। अब जो दूसरा, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो टू पोलर न्यूक्लियस के साथ, टू पोलर न्यूक्लियस किसका पार्ट होता है, फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का पार्ट होता है, टू पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, चीज जो क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड पैन। ट्रिप्लॉइड पैन मतलब एक मेल गैमेट, द वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, दिस प्रोसेस नोन एज अ सिंगैमी। अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म पैन, पैन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका रोल होगा अलग से। ओके, ये तो क्या बनाएगा, सिंगैमी बना देगा, मतलब जाइगोट बना दिया इसने, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बन गया। अब इस एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट चेंज इनटू द एम्ब्रायो। ओके, एम्ब्रायो बन गया, जबकि पैन क्या करता है, जो पैन बनता है सेकेंड मेल गैमेट से एंडोस्पर्म बनाता है, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होगा और वो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल एंड सेपल फॉल ऑफ एंड ओवरी चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पेटल सेपल फॉल ऑफ एंड ओवरी, ओवरी किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। ओवरी क्या होता है, बाहर का पार्ट होता है, जबकि ओव्यूल एक अंदर का पार्ट होता है। ओवरी किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में, और जबकि ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। ओके, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरी एंड ओव्यूल, ओवरी एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ग्रेन के एक न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस दो मेल गैमेट बनाता है, वन मेल गैमेट एंड टू मेल गैमेट। वन मेल गैमेट अंदर जाएगा, किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ फ्यूज होगा, जबकि सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, किसके साथ फ्यूज होगा, टू पोलन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, और क्या बनाएगा वो, टू पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाता है वो, PEN, पोली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है। पोली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या देता है, एंडोस्पर्म देता है। एंडोस्पर्म क्या देगा, एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड, जबकि ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब हम ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस लाइज इन अ मस्कुलर बैग कॉल्ड स्क्रोटम विच लाइज आउटसाइड द अबडोमिनल कैविटी। मतलब हमने क्या पढ़ा इस लाइन में, हमने पढ़ा कि दिस इज टेस्टिस। ओके, ये टेस्टिस
किसी बैग में इनक्लोज्ड है। इस बैग को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है जिसमें ये इनक्लोज्ड है। सेकेंड लाइन इज देयर इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द ईस्ट टेस्टिस एंड इज कॉल्ड द वासर डिफरेंस। मतलब यहाँ से एक ट्यूबलिक स्ट्रक्चर निकल कर जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वासर डिफरेंस बोलेंगे। इट विल डक्ट अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये डक्ट कहाँ से आती है, यूरिनरी ब्लैडर से आएगी। दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्म अ कॉमन ट्यूब। ये एक कॉमन ट्यूब निकालती है जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं इसको, यूरिथ्रा। एनक्लोज विद अ मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब इसे कहते हैं पेनिस, इसे कहते हैं पेनिस। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ओके, ये किस में, एक मस्कुलर ट्यूब में एनक्लोज होता है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पेनिस। स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन टू लेग्स बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म। दिस इज अ स्क्रोटम जो कि जिसमें टेस्टिस इंक्लोज होती हैं ओके, बिटवीन टू लेग बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म। यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं। रिक्वायर लो टेम्परेचर, इन स्पर्म का टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, अब इनका टेस्टिस का काम क्या होता है। टेस्टिस एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करती है और दूसरा मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा तो अपेयर ऑफ द टेस्टिस थी, इसमें अपेयर ऑफ द ओवरीज है। अपेयर ऑफ द ओवरीज वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी नियर द ईच किडनी। ओवरी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स में इंक्लोज होती है विच ऑन प्यूबर्टी के टाइम पर ये क्या बन जाएगी, एग्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एग बन जाते हैं। नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ईच किडनी देयर इज अ फनल शेप्ड, इनके पास एक फनल शेप्ड होगी जिसे हम उसे हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे उसके हम, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ खुलता है, यूट्रस में जाकर खुलता है। द यूट्रस ओपन वजाइना थ्रू द वैक्सिंग सर्विक्स। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ओवरी, ये ओवरी प्यूबर्टी के टाइम पर क्या बन जाएगी, प्यूबर्टी आने पर क्या बन जाता है, ये एग बन जाते हैं। ये किसी फनल शेप्ड में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब किस में खुलता है, यूट्रस में जाकर खुलता है। यूट्रस किसकी में ओपनिंग होगा, सर्विक्स, सर्विक्स देन वेजाइना। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फंक्शन क्या है इस ओवरी का, ये एग प्रोड्यूस करते हैं जबकि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन जबकि मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। अब एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड मतलब एक्सटर्नल ग्लैंड्स क्या हो, क्या होती है, उसमें क्या फंक्शन होते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल एक विस्कस एल्कलाइन विस्कस फ्लूड सीमेन देता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब प्रोस्टेट क्या करेगा, ये भी एक लिक्विड फ्लूड देगा जो कि ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड क्या करते हैं, एक लुब्रिकेंट करने का काम करते हैं ओके। अब प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा इसका फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा इज ए स्पेशल डिस्क टिश्यू फाउंड ऑन इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस की वॉल होती है प्लेसेंटा ओके, यूट्रस की वॉल होती है प्लेसेंटा जिसे मदर वोम भी कहते हैं और जिसमें बेबी डेवलप होता है, में न्यूबॉर्न डेवलप होता है। द एम्ब्रायो गेट ऑक्सीजन, इस प्लेसेंटा से क्या मिलता है, इस एम्ब्रायो को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जो कि मदर के ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और मदर के ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है। यहाँ से वो फूड भी लेगा और यहाँ से वो ऑक्सीजन भी लेगा। और उसकी बॉडी से जो वेस्ट रिलीज होता है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही रिलीज होता है। मतलब प्लेसेंटा का दोनों ही काम होता है, इन और आउट का, अंदर खाना लेता है और बाहर वेस्ट रिलीज भी जाता है। द एम्ब्रायो गेट द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस टू द मदर ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। मतलब खाना लेता भी है और वेस्ट रिलीज भी प्लेसेंटा से होता है। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, द इनर लिनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल स्लोली ब्रेक डाउन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो
जो यूटराइन वाल है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगेगी, इसे झड़ने लगेगी, झड़ने लगने से क्या होगा, कम आउट थ्रू द वेजाइना, मतलब ब्लीडिंग रिलीज होगी, ब्लीडिंग रिलीज होगी एज ब्लड, ब्लड के रूप में रिलीज होगा, एंड म्यूकस जिसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। ओके, ये मंथली पीरियड होगा, ये मंथली पीरियड होता है 20 डेज का, हर 20 डेज के बाद ही आता है, कितने दिन का होता है ये 3 to 5 days का होगा, इसे कहते हैं मेंसुरेशन पीरियड। अब डिफरेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, इसके कई मेथड होते हैं, इसके मेनी मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ये 4 मेथड है, बेसिक पॉइंट्स हैं 10th के लिए। अब डिफरेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन हमने देखे थे, सर्जिकल मेथड होते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे HIV की फुल फॉर्म, HIV फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, AIDS, जिसे हम एड्स भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, IUCD, इंटर यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, RTI, रिपीटेड ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्ज़ाम में MCQs में ही पूछे जाते हैं। ये था हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर, यहाँ पर फिनिश हो गया है, इस चैप्टर को रीड करना है, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद।